अगली खबर लखनऊ से है। यहाँ पर पीजीआई के गार्डों ने पिटाई की है। पीजीआई के गार्डों ने यहाँ पर तीमारदार को जमकर पीटा है। पीजीआई के गार्डों ने तीमारदार को बेरहमी से पीटा है। दवा ले रहे तीमारदार को गार्डों ने जमकर पीटा है। गार्डों के मारपीट करने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामूली सी बात पर पीट पीट कर तीमारदार को पीजीआई के गार्डों ने घायल कर दिया है। लखनऊ का पीजीआई जो अपने आप में एक अलग पहचान रखता है, यहाँ पर हर एक बीमार व्यक्ति का इलाज किया जाता है। यहाँ पर गार्डों ने लाइन में लगकर दवा ले रहा एक पीड़ित तीमारदार जिसके साथ बदसलूकी की है, गार्डों ने उसके साथ मारपीट की है। मामूली सी बात पर गार्डों ने तीमारदार के साथ मारपीट की है। लाइन में लगकर दवा ले रहा था ये पीड़ित तीमारदार। पीड़ित की शिकायत पर पीजीआई थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीजीआई के गार्डों ने तीमारदार को जमकर पीटा है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से राजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजन, पीजीआई के गार्डों ने तीमारदार के साथ मारपीट की है जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वजह क्या रही, क्यों मारपीट की गई और क्या इस तरीके के पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं पीजीआई के गार्डों के? राजन बिल्कुल बता दें, ये कोई नया नहीं है, पहले भी ये लोग मारपीट की आए दिन करते रहते हैं और कई बार जो है पुलिस वार्निंग देके छोड़ी थी, लेकिन इस बार जिस तरह से वीडियो वायरल होके सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं जो पीजीआई के जो गार्ड है उनकी गुंडई बिल्कुल जो है चरम सीमा पर पहुंच गई है। और ऐसे ही तीमारदार जो वहां पे मरीज थे वो अब लाइन में खड़े होकर दवा ले रहे थे, उस लाइन में कुछ ना थोड़ा बहुत जो है आगे पीछे हुआ, लाइन सही सीधी से नहीं लग पा रहा था, पीछे से लोग धक्का दे रहे थे। तीमारदार का कहना है कि पीछे से हमको धक्का दिया गया तो लाइन में थोड़ा सा बैलेंस खराब हुआ, इसको लेकर वो लोग अचानक इनको पकड़ के और पीटना शुरू कर देते हैं। परिजन जो है चिल्लाते रहते हैं लेकिन फिर भी बेरहमी से, वीडियो में देखिए किस तरह से बेरहमी से गार्ड जो है पीट रहे हैं। एक गार्ड जो है पीट रहा है, फिर इसके बाद से दूसरा गार्ड उसको पकड़ लेता है, फिर तीसरा गार्ड भी मारता है। इस तरह की गार्डों की जो मारपीट की जो घटना सामने आई है, अब पीजीआई पुलिस ने इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनको जेल भेजने की जो है तैयारी चल रही है। राजन, वीडियो में देखा जा सकता है कि अधिक संख्या में गार्ड हैं और एक ही व्यक्ति पर लगातार वार कर रहे हैं। वजह क्या रही और अभी इस मामले पर किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है? क्या पुलिस ने इन गार्डों के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करने के बाद इन पर कोई कार्रवाई की है? राजन, मारपीट का धारा लगा है 151 लगा है और इसके बाद से जो है बात ये सामने आ रहा था कि तीमारदार जो थे मरीज थे वो लाइन में लग के दवा ले रहे थे, पीछे से धक्का मारा गया तो जो अगला व्यक्ति था इसमें बैलेंस खराब होने की वजह से इसने भी अगले को धक्का दिया, तो उसको लेकर ये लोग जो है अचानक उस व्यक्ति को खींच के और मारपीट करने लगते हैं और उसको देखा जा रहा है कि किस तरह से बेरहमी से जो है पंच पे पंच उसको मार रहे हैं और वो बुरी तरह से घायल हो गया। घायल अवस्था में पीजीआई के जो थाना है नजदीकी थाना उसमें पहुंचकर और सारी चीजों को दिखाया, इसके बाद से अब पुलिस ने उस चीज को खंगाला और इसके बाद से वीडियो जो है सामने आया क्योंकि जो परिजन था उसी में से एक व्यक्ति जो है वीडियो बना रहे। पर राजन यहाँ ध्यान करने योग्य बात यह है कि पीजीआई के गार्ड जो अपने आप में एक पीजीआई जो अपने आप में एक अलग पहचान रखता है और वहां के गार्ड इस तरीके से बदसलूकी एक तीमारदार के साथ करते हैं, ये कहां तक सही है? पीजीआई के प्रशासन जो अधिकारी हैं वहां के लोगों ने क्या इन गार्डों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? क्या इन्हें निलंबित किया है या फिर इन्हें सजा के तौर पर कुछ किया है? राजन वहाँ के अधिक